अच्छा, अब हम उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, समझ लें, असेंबली, फिनिशिंग, स्टोर्स, कैंटीन, ये हमारे पास चार डिपार्टमेंट थे और हमारे पास ओवरहेड्स थे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमने उसको अपोर्शमेंट किया होगा ओवरहेड्स को, तो इसके पास आया 1 लाख, इसके पास आया 2 लाख, इसके पास आया 50 हजार, इसके पास आया 60 हजार, पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप क्या होगा, री अपोर्शमेंट होगा जब सर्विस की कॉस्ट को उठा के आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालोगे। जैसे पहले जो है वो कैंटीन खत्म हो रहा है, तो अब मैं आपको अपने तरफ से फिगर दे रहा हूँ, समझे, 30 यहाँ पर आ गया कैंटीन का, 20 यहाँ पर आ गया और 10 यहाँ पर आ गया। फिर होता है स्टोर्स डिपार्टमेंट खत्म हो रहा है और ये 30 यहाँ पर आ गया और 30 यहाँ पर आ गया, तो अब हमने क्या कर दिया, ये एक प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई है हमारे पास। ठीक है, अब मतलब ये इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो बन रहे हैं। अब हमारे पास एक ऑर्डर आता है, ठीक है ना, एक ऑर्डर आता है और हमें उस ऑर्डर की पहले तो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। भाई कॉस्ट कैलकुलेट होगी तो ही मैं प्राइस कोट करूंगा और उसके बाद प्राइस कोट करनी है। तो उसने कहा कि जो ये ऑर्डर है उसमें मटेरियल लगेगा, ये सवाल मैं आपको देगा, 70 का मटेरियल लगेगा, डायरेक्ट लेबर असेंबली डिपार्टमेंट में इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए 2 घंटे काम होगा और 1 घंटे का रेट है, फर्ज करें उस डिपार्टमेंट के लेबर्स का 10, तो ये हो गया 20। उसने कहा फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ये जो ऑर्डर पूरा होगा तो 1 यूनिट बनाने में फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 5 घंटे लगेंगे और उसका एक रेट पर आर का रेट है 6, तो ये हो गया 30। ठीक है भाई, इससे इन दोनों से बेटा क्या कवर हो रहा होगा, मटेरियल और लेबर की कॉस्ट कवर हो रही होगी। ठीक है, देन व्हाट अबाउट दीज ओवरहेड कॉस्ट, ये कैसे कवर होगी, ये भी तो कवर करनी है ना, इसको बेच के पैसे कमाएंगे और कवर करेंगे। अब कॉन्सेप्ट आ जाता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, हाउ टू चार्ज ओवरहेड्स इन इन एन ऑर्डर, या आप कुछ भी इसमें बात कर सकते हैं। ये बात आपको मेरी बात समझ में आ गई, देखो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो आपको दिया हुआ होगा, हर यूनिट बनाने में मैं 70 रुपए तो चार्ज करूंगा ना, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट चार्ज करूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सारी कॉस्ट को ऐड करूंगा, फिर मैं प्राइस कोट करूंगा। तो गेम जो है बेटा वो इसकी नहीं होती, गेम होती है ओवर, अब किस तरीके से आप ओवरहेड्स को, ये जो सारे ओवरहेड्स में रेंट होगा, मेंटेनेंस वो होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, पावर होगी, ये सारे ओवरहेड वैसे ही बने ना। अब ये ओवरहेड में इधर कैसे चार्ज करूं, क्या पूरा का पूरा 1,60,000 यहां डाल दूं, ये देखना, ये 1,60,000 या 2.5 लाख पूरा यहां डाल दूं, नहीं। अब क्या करेंगे, किस तरीके से ओवरहेड रेट चार्ज होगा, ओवरहेड लगेंगे, इस चीज को हम कहते हैं बेटा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं, देखें होगा क्या। अब मैं आपको बताता हूं बेटा करना क्या है, ये जैसे आपका ये है असेंबली डिपार्टमेंट और वो रहा फिनिशिंग डिपार्टमेंट, पहले आप इसके ओवरहेड्स को लिख लें, ये रहा 1,60,000 और 2,50,000। ठीक है, अब वो यहां पर देगा मशीनर्स, मशीनर्स एग्जाम्पल है आपके पास दिए हुए 10,000 और लेबर आवर्स दिया हुआ है 2,000, इसमें दिया हुआ है आपको लेबर आवर्स 1,000, मशीन आवर्स 1,000 दिए हुए और लेबर आवर्स आपके पास 25,000 आज ही है। अब हम कैसे चार्ज करेंगे ओवरहेड को, किस तरीके से चार्ज करेंगे, कॉस्ट में तो डालना ही है ना इसको, हम एक रेट निकालेंगे और रेट क्या निकालेंगे, हम असेंबली डिपार्टमेंट का 1,60,000 है। अब हमें देखना ये है कि कौन सी एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, मशीन आवर ज्यादा हो रहे, लेबर आवर, देखो मशीन आवर और लेबर आवर होंगे ही तो ही प्रोडक्ट बनेगा, बात समझ में आई ना। हर दफा इनपुट जो है वो या तो मशीन आर्ट्स का होगा या लेबर आर्ट्स का होगा और ये वर्क करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा। तो अब हम देखेंगे कि इस डिपार्टमेंट में मेन एक्टिविटी क्या है जिसकी वजह से प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप बोलोगे सर ये 10,000 यानी कि मशीन आर्ट ज्यादा है तो आप उससे डिवाइड करोगे, तो उसका आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा 16 MH, 16। ये बता क्या रहा है, देखो पहले दोबारा सुन लो, 1,60,000 है ओवर हेड्स को आपको डिवाइड करना होगा या मशीन आर्ट से या लेबर आर्ट से, तो आप कैसे डिसाइड करोगे, जो एक्टिविटी ज्यादा हो रही है आप उससे डिवाइड करोगे। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है कि अगर मशीन एक्टिविटी ज्यादा है इसका मतलब है यहां जो प्रोडक्ट बनाया है या प्रोडक्शन का जो हिस्सा बनाया है
उस पे मशीन का रोल ज्यादा है, तो ओवरहेड का रेट आया है 16 पर आर मशीन आवर्स के लगेगा। अब अगर कोई भी ऑर्डर आता है जिसमें 10 जिसे कहते हैं मशीन आवर्स यूज होंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 16 होगा ओवरहेड इस तरीके से चार्ज करोगे उस प्रोडक्ट पे। सेम ऐसे ही आप फिनिशिंग की बात करते हैं, 2.5 लाख। अब देखो फिनिशिंग में कौन सी एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, फिनिशिंग में लेबर आवर्स ज्यादा हो रही है, तो उसको डिवाइड करेंगे हम लेबर आवर्स से, तो उसका मतलब इसका आ रहा है 10 LH। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट की कॉस्ट कैसे आएगी। देखो भाई ऊपर देखो डायरेक्ट मटेरियल तुम्हें दिया हुआ है 70, डायरेक्ट लेबर तुम्हें असेंबली का दिया हुआ है कैलकुलेट करके 20 और फिनिशिंग का दिया हुआ है 30। अच्छा ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट है, एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है तो आपको डायरेक्टली आपको दी हुई है। अब उसके बाद जो है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की बारी आएगी। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, जैसे असेंबली डिपार्टमेंट का है, पहले आप असेंबली डिपार्टमेंट लिखें और उसके आगे लिखते हैं 16 MH, देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, और फिर फिनिशिंग डिपार्टमेंट लिखें, इसका ओवरहेड रेट चार्ज होगा 10 लेबर आर, सही है ना। क्या कर रहे हैं बेटा हम, असेंबली डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड चार्ज होगा वो होगा 16 मशीन आवर्स। अब चाहे एक मशीन आवर्स होगा तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर दूंगा, 10 मशीन आवर्स होंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा। अब देखें सवाल में अगर लिखा हुआ है, देखें एक इसी जॉब ऑर्डर के आगे लिखा हुआ है मशीन आवर्स और उसमें लिखा हुआ है असेंबली और फिनिशिंग। असेंबली में जो है वो 9 मशीन आवर्स लगते हैं इसको बनाने के लिए और फिनिशिंग में 4 लगते हैं, ठीक है ना। तो देखो असेंबली डिपार्टमेंट का ओवरहेड किस पे चार्ज हो रहा है, मशीन आवर्स पे। अब आपको असेंबली आवर्स के मशीन आवर्स ढूंढने जो कि कितने हैं 9। अगर ये लिखा होता लेबर आवर्स तो मैं लेबर आवर्स से मल्टीप्लाई करता, तो ये हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 9 144। अब बिल्कुल दूसरा देख लो भाई, फिनिशिंग का ओवरहेड रेट किस पे लगेगा, ये लगेगा 10 LH। इसका मतलब है 10 रुपए ओवरहेड के चार्ज होंगे पर घंटे के हिसाब से, कौन से घंटे, लेबर आवर्स या मशीन आवर्स, लेबर आवर्स। अब आपको ढूंढना है कि फिनिशिंग के लेबर आवर्स कहाँ हैं। देखो ये रे डायरेक्ट लेबर तो ये लिखा हुआ और फिनिशिंग के लेबर आवर्स हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये 50। अब इन सबको प्लस करेंगे तो आपकी जो है वो कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें से ये जो ये कॉस्ट आ गई, ये जो ये कॉस्ट है ना तीनों, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है, मतलब एक यूनिट की 70 होंगी, दो यूनिट की 140 होंगी, जैसे ये है ना, ये डायरेक्ट कॉस्ट इस तरह से होती है जो आपको डायरेक्टली दी हुई है। लेकिन जो ओवरहेड है, देखो ओवरहेड है, उसका चार्ज करने का तरीका अलग होता है। बात समझ में आती है आपको, ओवरहेड का हमने चार्ज किस तरह से लगाया है, मशीन आवर्स पे या लेबर आवर्स पे, जो भी उसका ओवरहेड रेट बनेगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, फिर से देखें बेटा आप। अब हम जाएंगे रिवर्स में, देखो रिवर्स में कैसे, ताकि आपको और समझ में आए डिफरेंट स्ट्रेटेजी के तहत। समझो एक हमारे पास जॉब आई है, उससे वो कहता है इसमें इस यूनिट को बनाने में डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 120, डायरेक्ट लेबर जो है वो असेंबली डिपार्टमेंट में 4 घंटे लग काम होगा, 1 घंटा है 10 का, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 5 घंटे काम होगा एक प्रोडक्ट को बनाने में, और एक वो है 20 का, तो ये 100 हो गया। अब यहां पे दिए हुए मशीन आवर्स, बस ये होगा असेंबली 7 और फिनिशिंग 3। अब समझे ये दिए हुए आपके पास मशीन आवर्स। अब जब आप रिवर्स जाते हो ना तो आपको एक डिफरेंट एंगल से सवाल समझ में आता है, मैं आपको बताता हूं कैसे। अब आप एक अकाउंटेंट हो और आपसे बोला हुआ है कि इस प्रोडक्ट की मैं कॉस्ट क्या कोट करूं, ठीक है। अब आप इसमें कॉस्ट को कोट करना आपने स्टार्ट कर दिया, आपने कहा भाई डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है 120, ठीक है भाई, डायरेक्ट लेबर पहले प्रोडक्ट जाएगा असेंबली में 4 घंटे लगे 10 पे, ये 40, और फिनिशिंग का है 100, तो ये आपकी एक तरह से डायरेक्ट कॉस्ट हो गई 140 260। अब सवाल ये पैदा होता है ओवरहेड कितने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले क्या होगा आपके, आप जाओगे ओवरहेड कैसे चार्ज करें, तो आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे असेंबली और फिनिशिंग, फिर वही अपोर्शमेंट, फिर री अपोर्शमेंट, तो समझे ओवरहेड इसके आ रहे हैं
टोटल हमने एस्टिमेट किए हैं कि पूरे साल में इसके 50,000 होंगे और इसके 30,000 होंगे, ये आपने एस्टिमेट किया है, करेक्ट। अब हम बात करते हैं मशीन आर्स की। आपने एस्टिमेट किया कि पूरे साल इसमें 10,000 घंटे हम काम करते हैं और इसमें हम 2,000 घंटे काम करते हैं। इसमें मशीन आर 4 है और इसमें मशीन आर 15,000 है, ये आपके पास डेटा दिया हुआ है। अब आप कैसे इन ओवरहेड को इधर चार्ज करोगे, ठीक है ना। देखिए डायरेक्ट कॉस्ट तो डायरेक्ट मटेरियल तो इज वेरी इजी, वो तो आपको सवाल में दिया हुआ होगा। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप निकालोगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। पहला है असेंबली डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट कितना है 50,000। अब ये देखना है कि असेंबली डिपार्टमेंट की मेन एक्टिविटी कौन सी है जो ज्यादा हो रही है। सर वो मशीन आर है, तो 10,000 मशीन आर, इसका मतलब ये है बेटा कि मशीन आर्स मेन रीजन है जिसकी वजह से ओवरहेड लग रहे हैं, ठीक है ना। मशीन आर्स मेन रीजन है जिसकी वजह से प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 MH, यानी कि 5 रुपए आप ओवरहेड पे चार्ज करोगे पर मशीन आर्स, ये इसका वो है। तो सबसे पहली बात है असेंबली, असेंबली का ओवरहेड का रेट कितना है 5 MH, यानी कि एक मशीन आर्स पे आप $5 जो है वो ओवरहेड चार्ज करोगे। अब ये देखना है कि असेंबली के मशीन आर्स कितने, देखो अभी चेक करो, ये है असेंबली के लेबर आर्स, ये है असेंबली के मशीन आर्स, तो मैंने मशीन आर्स कितने 7 उससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया 35। क्योंकि कंफ्यूजन होती है सर आपने ऊपर उससे क्यों नहीं किया, भाई वो तो लेबर आर्स है और आपने ओवरहेड बनाया किस पे, लेबर आर्स पे बनाया मशीन आर्स पे बनाया, मशीन आर्स पे लगाना है। तो जो आपने जिस पे अब्सॉर्ब किया है, जिस पे आपने कैलकुलेट किया आप उसी पे लगाओगे। अब सेम ऐसे ही दूसरा क्या है फिनिशिंग, फिनिशिंग कितना है 30,000। अब फिनिशिंग की एक्टिविटी कौन सी ज्यादा हो रही है, लेबर या मशीन लेबर, तो आप इसको करोगे लेबर आर्स पे, तो 2 लेबर आर्स। इसका मतलब है इस डिपार्टमेंट में 1 घंटा अगर लेबर काम करेगा तो उस पर हम 2 ओवरहेड का रेट चार्ज करेंगे। अब आप मुझे बताओ फिनिशिंग डिपार्टमेंट का रेट क्या है 2 लेबर आर्स, क्या है 2 लेबर आर्स। अब देखना यह है कि फिनिशिंग में लेबर आर्स कितने हैं, तो देखो फिनिशिंग में लेबर आर्स कितने हैं 5, ये रहा। तो ये आपकी 260 आपकी टोटल करेंगे तो आपके पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी। अब देखें इसकी कुछ, अगर आप रिपीटेडली थ्योरी क्वेश्चन आप अगर लगाएंगे तो ये आपके ये पास पेपर के क्वेश्चंस हैं कि यार एक्सप्लेन व्हाई एस्टिमेटेड फिगर्स, व्हाई एस्टिमेटेड फिगर मतलब आपने कहा कि ये बजटेड असेंबली का ये बजटेड ओवरहेड्स होते हैं और ये बजटेड मशीन आर्स या लेबर आर्स होते हैं 2। वो कह रहा है व्हाई एस्टिमेटेड, व्हाई बजटेड, यार इसलिए बजटेड कि कॉस्ट हमेशा स्टार्ट होती है एस्टिमेट पे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, अगर मेरा काम है शर्ट्स बनाने का और मैं अभी काम स्टार्ट कर रहा हूं, इज दैट राइट, तो अभी तो मेरे पास खर्चे लगने शुरू ही नहीं हुए। बहुत सारे खर्चे तो साल के एंड में आते हैं, साल के एंड में क्लियर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी महीने के एंड में, मुझे क्या पता। तो अगर मेरे पास अभी कोई बंदा एक शर्ट का ऑर्डर लेने आएगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा, सर आप वेट करें, मैं आपको कॉस्ट 1 महीने बाद बताऊंगा जब मेरे पास फला फला खर्चे आ जाएंगे, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो वो कह रहे हैं एस्टिमेट इसलिए करते हैं ताकि हमें पहले से कॉस्ट पता हो, कॉस्ट पता होगी तो ही तो हम सेलिंग प्राइस क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। और जब आप कोई चीज स्टार्ट कर रहे होते हैं हमें एस्टिमेटेड, हमें जो है एक्चुअल फिगर्स अवेलेबल थोड़ी होती है। फॉर एग्जांपल हमें पिकनिक पे जाना है और पिकनिक पे हमें बच्चों को कॉस्ट बतानी है कि पर बच्चा कितना आ रही है, एक्चुअल कॉस्ट मुझे आप बताएं कब डिटरमाइन होगी, तब डिटरमाइन होगी जब आप पिकनिक से आ जाएंगे। लेकिन हम बच्चों को बताएंगे कब कि आपको कितना पे करना है, जाहिर सी बात है पहले बताएंगे। ये जो पहले बताना है वही चीज मैं बता रहा हूं कि कॉस्ट जो है वो एस्टिमेट की जाती है। तो ये कह रहा है कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्यों चार्ज करते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। ये अक्सर ये सबसे रिपीटेडली थ्योरी है। अच्छा अब वो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई अ बिजनेस कैलकुलेट सेपरेट ओवरहेड रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रादर देन अ सिंगल रेट फॉर द होल फैक्ट्री। जब आप एक ही रेट, जैसे हमने क्या किया, हमने हर डिपार्टमेंट में ये देखा कि कौन सी एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, मशीन आर ज्यादा हो रहा है या लेबर आर ज्यादा हो रहा है, जो एक्टिविटी ज्यादा हो रही है उस पर हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे ना कि सारे ओवरहेड सारे डिपार्टमेंट को
एक ही रेट लगेगा, एक ही रेट, इसको हम कहते हैं ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। ब्लैंकेट ओवरहेड रेट जो मैं जब ट्यूशन में पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमने ये टर्म सुनी नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये आपके सामने आ भी गई, आपके पास पेपर में आ गई, कि वो ये कहता है कि यार आप एक ही रेट क्यों नहीं, क्यों मतलब चार्ज नहीं कर रहे, आप हर डिपार्टमेंट का अलग रेट क्यों चार्ज कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि हम ये देखेंगे कि मशीन आ ज्यादा है लेबर आ ज्यादा है। देखो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि अगर आप एक ही पे डिवाइड करोगे तो हो सकता है कॉस्ट जो है वो सही, या यूं कह लें कि ज्यादा एक्यूरेट कॉस्ट आपने नहीं कैलकुलेट की है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि हम ये देखते हैं कि डिपार्टमेंट आपका लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर के थ्रू यहाँ पे ज्यादा काम हो रहा है या मशीन के थ्रू। अगर लेबर के थ्रू हो रहा है तो ज्यादा एप्रोप्रिएट बेसिस यही है कि आप लेबर आर्ट्स पे चार्ज करो, इसका मतलब है लेबर मेन फैक्टर है उस डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट को बनाने का, ठीक है ना। तो और अगर मशीन मेन फैक्टर है तो आप मशीन आर्ट्स पे डिवाइड करो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ऑब्वियसली सी बात है कॉस्ट सही से ज्यादा बेहतर कैलकुलेट नहीं होगी। अब इसमें मसले जाहिर सी बात है आपने प्री डिटरमाइन, ये भी आपके ये सब पास पेपर के क्वेश्चन है कि ड्रॉबैक क्या है आपके ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पे। देखें जब भी आप एस्टिमेट करते हो तो या तो आप ओवर एस्टिमेट करोगे या अंडर एस्टिमेट करोगे। अगर मैंने, अब जरा सुनना मेरी बात, अगर मैंने ओवर एस्टिमेट कर दिया था खर्चे ज्यादा होंगे, इसकी वजह से मेरी कॉस्ट ज्यादा हो रही होगी, कॉस्ट ज्यादा हो रही होगी तो प्राइस भी ज्यादा हो रही होगी, और प्राइस ज्यादा हो रही होगी तो बेटा डिमांड कम हो रही होगी। सेम ऐसे ही यहां पे कह रहा है अगर आपने अंडर एस्टिमेट किया है, अगर आपने इस वाले पॉइंट में ये बता रहा है अंडर एस्टिमेट किया है, इसकी वजह से आपने कॉस्ट कम कैलकुलेट की है जिसकी वजह से आपने प्राइस कम कैलकुलेट की है, तो हो सकता है आपकी गलत प्राइस कैलकुलेट हुई हो और आपकी कॉस्ट ज्यादा हो और प्राइस कम हो। अब इसके उसमें आपको एंड पता चलेगा कि आपको लॉस आ रहा होगा या फिर आपका प्रॉफिट क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। तो इसलिए ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को बड़ा ही केयरफुली आपको क्या करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए।